एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को भरपूर एंजॉय कर रही हैं। आए दिन वो अपनी एक से बढ़कर एक फोटोज अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर भी कर रही हैं। अनीता अपनी जिंदगी में आने वाले नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और उनके फैंस भी उनके घर में आने वाले इस छोटे से मेहमान को देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब भी हैं। लेकिन इन दिनों अनीता दो काम ऐसे जमकर कर रही हैं जिससे उनकी इस न्यू जर्नी का मजा काफी बढ़ चुका है। और कौन से हैं वो दो काम बताते हैं आपको भी। देखिए, जो सबसे पहला काम है वो है खूब फोटोशूट करवाने का। जी हाँ, वैसे तो अनीता हसनंदानी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। अब क्योंकि अनीता फिलहाल अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए इन दिनों वो सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ ज्यादा ही जुड़ी हुई हैं। वो अपनी प्रेगनेंसी की नई नई और बेहतरीन फोटोज शेयर कर रही हैं। कभी बेबी बम को फ्रॉन्ट करती हुई तो कभी स्टाइलिश आउटफिट में। अनीता अपनी इन नई नई फोटोज से अपने फैंस को खूब खुश कर रही हैं। और दूसरा काम जो है वो है घूमना फिरना। जी हाँ, ट्रैवल करना। बेशक अनीता माँ बनने के बेहद ही करीब हैं, लेकिन बावजूद इसके अनीता घूम रही हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले अनीता अपने पति के साथ छुट्टियों के लिए अलीबाग गई थी, जहाँ समंदर के किनारे से उन्होंने बेबी बम्प वाली तस्वीरें शेयर की थी। सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करते हुए अनीता ने कैप्शन दिया था, ट्रैवल तो बनता है, डॉक्टर ने कहा है मुझे विटामिन डी और विटामिन सी की जरूरत है। पति रोहित रेड्डी के साथ छुट्टियां मनाने निकली अनीता इन तस्वीरों में काफी खुश नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो साफ दिखाई भी दे रहा था। आपको बता दें कि प्रेगनेंसी की खबर देने के बाद अनीता ने बताया कि उन्हें 30 के बाद मां बनने में काफी हिचक हो रही थी। उन्हें नहीं लग रहा था कि वो 39 की उम्र में नेचुरली कंसीव कर पाएंगी। अब जब उन्होंने कंसीव कर लिया है तो उन्हें लगता है कि उम्र बस एक नंबर होता है। साफ है कि अनीता और उनके पति अपनी इस न्यू जर्नी को जीने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और अपने बेबी का वेलकम करने के लिए काफी बेताब भी।